एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला अगेन। तो आज है हमारा नाउन का डे थ्री। तो हम नाउन के पार्ट वन और पार्ट टू कर चुके हैं, ठीक है। आज तो डे थ्री में हमने कल किया था, जो हमने एंड किया था उससे किया था पॉजिटिव केस से, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव केस में एक रह गया था जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन होता है जब बहुत सारे लेटर से बन के होता है, बेसिकली तीन लेटर से मिलके बनता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। जैसे कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो इनका जब पोजिशन बनाते हैं पॉजिटिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन, तो हम क्या करते हैं, इनके एंड में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। तो जो कमांडर इन चीफ है उनका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट किया गया, तो उसके एंड में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रॉफी लगाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स वॉर रिजर्व, ठीक है। देखो तो राइट किसके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी किस यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो जो कंपाउंड नाउन होता है उनके एंड में लगता है एपोस्ट्रॉफी। तो यहाँ से एक बात आती है, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड नाउन होते हैं, एक होता है उनका पोजिशन, एक होता है प्लूरल, ठीक है। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हमने पोजीशन बताया, उनके राइट्स है कि हमने उनके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। पर जब हमें इनका प्लूरल बनाना होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड नाउन लिखता हूँ, कंपाउंड नाउन की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब मेरे को इसका पॉजिटिव केस बनाना है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव केस बताना है, तो पॉजिटिव केस कैसे बनेगा, तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, इसके लास्ट में लगाते हैं, तो इसके पॉजिटिव केस बन जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। और वहीं अगर इसका प्लूरल बना होता है, जब भी कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल केस बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो इसका मेन वर्ड होते हैं, ठीक है, जो इसका मेन वर्ड होता है, जैसे अगर इसमें होता तो कमांडर्स इन चीफ होते, फादर इन लॉ है तो बहुत सारे फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहां पे मैं एक दूसरा वर्ड लिखता हूं, आप उसका बनाने का ट्राई करिएगा। मैंने यहां पे लिखा है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ का पोजीशन बनाएंगे तो उसमें क्या बन जाएगा, ब्रदर इन लॉज किसी चीज पे उसका पोजीशन, ब्रदर इन लॉज कार, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे इसका प्लूरल बनाना होता हमें, तो हम कैसे करते, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब पोजीशन बनाना था उसका, तो हमने उसके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी लगाया, और जब इसका प्लूरल बनना था, जो उसका मेन वर्ड है, हमने उस पर क्या किया, हमने उस पर एस लगा दिया, ठीक है। तो ये तो ही पॉजिटिव केस की बात। अब देखो पॉजिटिव केस सिर्फ खत्म हो चुका है, तो इसके बाद हम धीरे धीरे कहाँ को बढ़ने चले हैं, अब हम प्लूरल की तरफ बढ़ने लगे, सिंगुलर प्लूरल की तरफ, ठीक है। आपको पता है जब भी कोई वर्ड को हम सिंगुलर से प्लूरल में करते हैं, तो उसके लास्ट में हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। उसके एंड में लास्ट में कैसे करते हैं, हम एस या ई एस लगाते हैं। पर एक कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जिनके वर्ड लास्ट में हमें कुछ और ऐड करना पड़ता है उनका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके एग्जाम में आता है, ठीक है, इनके एरर आती है। बाकी जो होते हैं तो सिंपल होते हैं, पर कुछ एक वर्ड होते हैं जिनको बोलते हैं ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, तो उनको जो प्लूरल है उनका केवल एस या ई एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उनका प्लूरल हम कुछ और वर्ड बना के करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। पहला है, अगर किसी के लास्ट में हो यूएस, ठीक है, तो उसका हम प्लूरल बनाते हैं, तो उसके लास्ट में क्या हम ऐड करते हैं, आई। कोई वर्ड है उसके लास्ट में यूएस है, ठीक है, तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसके लास्ट में यूएस को हटा के क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल फोकस है, जैसे फोकस, एफ ओ सी यू एस, फोकस का
प्लूरल क्या हो जाएगा, फोकी। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक बहुत अच्छा वर्ड है रेडियस, तो रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियाई हो जाता है, आरएडीआई, है ना। ठीक है, और जैसे लोकस, लोकस का प्लूरल लोकाई, है ना। तो ऐसे ही जितने भी वर्ड है जिनके लास्ट में यूएस से एंड होते हो तो उनका प्लूरल क्या हो जाता है, लास्ट में आई लग जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बारी आती है यूएम की। ठीक है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में होगा यूएम, अगर उसका हमें बनाना है प्लूरल तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, केवल सीधे ओ। ठीक है, ए लगा देते उसके लास्ट में सीधे, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल हो जाएंगे मीडियम, तो मीडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मीडिया, है ना। और जैसे कि डेटम, इसका प्लूरल हो जाएगा डाटा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में यूएम से एंड होता है उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, ए ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है जो एंड होते हैं किससे, एस आई एस से। ठीक है, जो भी एंड होते हैं एस आई एस से, और उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है उनके एंड में, एस ई एस। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल जैसे क्राइसिस, क्राइसिस की स्पेलिंग यही होती है। ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बन जाएगा, क्राइसिस, है ना, एस ई एस बन जाएगा, एस आई एस हट के एस ई एस बन जाएगा। जैसे एनालिसिस होता है, एनालिसिस, एनालिसिस, तो इसका प्लूरल बन जाएगा एनालिसिस। ठीक है, तो ये कुछ भी आप ले सकते हैं जिसके लास्ट में एस आई एस होगा तो उनका क्या कर देते हम, एस ई एस कर देते उनका, जब हमें उनका प्लूरल बनाना होता है। ठीक है, तो उसी तरह नेक्स्ट है फोर्थ, अगर लास्ट में ऑन हो उसका हमें बनाना हो प्लूरल तो लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ए। ठीक है, अगर लास्ट में हो ओ एन तो उसके हम लास्ट में जोड़ देते हैं ए। ठीक है, जैसे क्राइटेरियन, ये सिंगुलर है, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना होता हो तो क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी और है, इनको नोट कर लिए तब मैं करता हूँ। तो ठीक है, यहीं पे हम एडअप कर लेते हैं, फोर्थ हो गया, यहाँ पे फिफ्थ कर लेते हैं। कोई वर्ड एंड हो रहा है किससे, ए से। ठीक है, उसका हम प्लूरल बनाना है तो उसके लास्ट में हम क्या कर देंगे, ए ई से। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल फॉर्मूला है, एफ ओ आर एम यू एल ए, फॉर्मूला, तो इसको हम, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एफ ओ आर एम यू एल ए, फॉर्मूले। ठीक है, तो ऐसे जो जो भी वर्ड लास्ट में ए से एंड होते हैं तो उसके बाद, उसके लास्ट में जब हम प्लूरल बनाने होते हैं तो ए को हटा के हम क्या कर देते हैं, ए ई ऐड कर देते, तो फॉर्मूले का क्या हो जाएगा, फॉर्मूले। ठीक है, तो उसी तरह एक और है यहाँ पे लास्ट सिक्स्थ, एक्स, अगर कोई भी वर्ड एक्स से एंड हो रहा है उसका हमें बनाना है प्लूरल तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं लास्ट में, आइस, आई सी। ठीक है, एक्स से एंड हो रहा है तो लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, आइस। ठीक है, जैसे कि अपेंडिक्स, ए डबल पी ई एन अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या हो जाएगा, अपेंडाइस, आई सी कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक वर्ड थे, बस आपको ये याद रखना है, जिसके एंड में ई एक्स होता है तो आई सी जोड़ना है, ए एंड होता है तो ए ई जोड़ना है, यू एस एंड होता है तो आई जोड़ना है, यू एम होता है तो ए होता है, और एस आई एस होता है एस सी एस, ऑन होता है तो ए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो जब भी आपको इस तरह से कोई पेपर में दिखेंगे एरर वाले में तो आपको पता होगी सिनोनिम
प्लूरल की बात कर रहा है या सिंगुलर की बात कर रहा है। तो कभी कभी क्या दिया होता है कि एक प्लूरल की बात करी होती है और दिया क्या होता है वर्ड, सिंगुलर वर्ड दिया होता है। तो आपको पता होगा क्राइसिस का वर्ड जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसको एस ई एस जोड़ देते हैं, फोकस का हम जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या बोलते हैं फोकी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये थी सिंगुलर प्लूरल वाली बात, बाकी जो और होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते क्योंकि हम डेली लाइफ में करते रहते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे कि किसी के लास्ट में वो ए एफ होता है जब, है ना, किसी के लास्ट में ए एफ एंड होता है एंड, तो हम कैसे कर देते हैं ई वी एस करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे लीफ है एल ई एफ, तो इसका हम प्लूरल बनाते तो कैसे करते थे लीप्स करते हैं। जैसे काफ है सी एल एफ, इसका प्लूरल बनाते कैसे करते हैं काप्स कर देते हैं ना, वी एस ई एफ होता है तो लास्ट में कर देते हैं वी एस, ठीक है। तो ये बाकी दो और में एस या ई एस जुड़ जाता है, तो ये वाले थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हमें वो पता रहता है, ठीक है। तो ये थे सिंगुलर प्लूरल की बात। तो उसके बाद हम करते हैं यूनिट की बात, ठीक है। यूनिट में जो इसका अगला पॉइंट है नाउन का वो है यूनिट। यूनिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई, ठीक है। तो देखते हैं यूनिट में क्या क्या है पढ़ने को, काफ़ी सारा यूनिट में भी है, यूनिट के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगला जो हमारा नाउन का टॉपिक है ये है यूनिट। यूनिट को हम हिंदी में बोलते हैं इकाई, है ना। तो अगर यूनिट का अगर मैं आपको बोलूँ 10,000 रुपये खर्च हुए और 1,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है। तो यूनिट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट, ठीक है। अगर मैं बोलूं 10,000 रुपये खर्च हुए और दूसरा स्टेटमेंट है 1,000 रुपये खर्च हुए, तो आप इसमें बता सकते हो कि एक डेफिनेट कौन सा और इनडेफिनेट कौन सा, है ना। तो 10,000 रुपये खर्च हुए ये डेफिनेट है कि 10,000 रुपये पूरा मैं बता रहा हूँ कि 10,000, और इनडेफिनेट क्या है 1,000 रुपये खर्च हुए, तो हजारों कितने भी हो सकते हैं 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, है ना। तो 1,000 रुपये, तो इसी में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना, ठीक है। तो उसी के शुरू करते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेट करता हूँ, डेफिनेट बताता हूँ, थोड़ा साइड में करता हूँ, फिर मैं इसके बाद यहाँ पे उसके सेंटेंस लिख दूंगा, तो साइड में आप देख के कर भी सकें, ठीक है। देखो डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट में ऐसे बताया 10,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है। तो देखो 10,000 रुपये में कैसे आ रहा है, 10,000 रुपये, 10 पहले क्या है न्यूमरल एक वैल्यू है, ठीक है, 1,000 क्या है यूनिट, और फिर उसके बाद रुपए क्या है एक नाउन है। देखो इसका इस ऐसे बनता है 10,000 रुपये न्यूमरल यूनिट और नाउन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब भी ये नाउन होगी, देखो मैंने कैसे बोला 10,000 रुपये, तो 1,000 कैसे बोला मैंने, तो जो यूनिट हमेशा क्या होगी सिंगुलर होगी इसमें, ठीक है, 10,000 रुपये। उसके बाद इसका अगला आता है न्यूमरल प्लस यूनिट। न्यूमरल प्लस यूनिट मैं केवल बोलूं 10,000 रुपये, 10,000 खर्च हुए, मैंने रुपए नहीं लगाए उसके आगे, 10,000 खर्च हुए, ठीक है, क्या खर्च हुए वो नहीं पता। तो इसके बाद भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें क्या होता है एक सफिशियंट होता है सेल्फ सफिशियंट, एक दूसरा क्या होता है नॉन सेल्फ सफिशियंट। यहां पे सेल्फ सफिशियंट लिख के सेल्फ सफिशियंट जो नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 10 दिन, ठीक है, तो 10 दिन अपने आप में सफिशियंट है कि पता चल रहा है 10 दिन, और मैंने बोला 10,000, ठीक है, मैंने बोला 10 दिन में काम पूरा हुआ, ठीक है, तो हमें पता है कि 10 दिन में पता चल रहा है कि दिन अपने आप में सफिशियंट है। और वैसे ही मैं बोलूं 10,000 खर्च हुए, तो अब पता नहीं चले कि क्या खर्च हुए, 10,000 रुपये खर्च हुए, 10,000 दिन खर्च हुए, ठीक है, 10,000 पेन खर्च हुए, कुछ क्या खर्च हुए, ठीक है। तो उसी में आता है सेल्फ सफिशियंट और सेल्फ सफिशियंट जो नहीं होते हैं। अगर मैं वहां पे सेल्फ सफिशियंट की बात करूं तो इनमें क्या क्या आ जाते हैं, रुपये आ जाता है, एयर आ जाता है, डे आ जाता है, और उसी में जो सेल्फ सफिशियंट नहीं है तो उसमें क्या बोलते हैं थाउजेंड्स आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, डजन आ जाएगा, फुट आ जाएगा, इसमें
रूपी, एयर, डे, मंथ, है ना, तो ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं इनके क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो तब आप उनको सॉल्व करना कि कैसे कैसे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिए हैं। ठीक है, इनमें एरर है यूनिट की, तो आपने अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से जल्दी जल्दी कर देता हूँ। हमने यूनिट में क्या था, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में आता था न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन। तो जब भी ऐसा वाला आएगा, जैसे मतलब 10,000 रुपये, तो जो यूनिट होगी हमेशा कैसी आएगी, यूनिट आएगी हमेशा सिंगुलर आएगी। उसके बाद इसका अगला बनता है न्यूमरल प्लस यूनिट। तो यूनिट की बात होगी, तो जब यूनिट दो टाइप में डिवाइड होती है, सेल्फ सफिशिएंट और जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वो यूनिट हमेशा उसमें क्या आएंगी, एस और ई एस के साथ आएंगे, मतलब रूलर आएंगे। और जो है, जो यूनिट सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगी वो केवल कैसे आएंगी, सिंगुलर आएंगी, उनके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया तो आराम से आप इनको कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करने की कोशिश की, तब मैं बताता हूँ ना। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, पहला है राहुल हैज स्पेंट 10,000 रुपी। ठीक है, राहुल हैज स्पेंट 10,000 रुपी। अगर आप इस यूनिट को देखो, देखो 10 यहाँ पे क्या है, न्यूमरल है, हमने न्यूमरल किया था, 1000 यहाँ पे क्या है, यूनिट है, उसके बाद क्या आ रहा है, रुपी, नाउन आ रहा है। ये न्यूमरल हो गया, ये यूनिट होगी और ये नाउन हो गया। ठीक है, तो जब हमने ये पढ़ा था तो हमने क्या बोला था, जो यूनिट होगी हमेशा सिंगुलर होगी। तो ये इसका सही सेंस क्या होगा, राहुल हैज स्पेंट 10,000 रुपी, है ना, थाउजेंड्स नहीं होगा तो केवल आएगा 1000 रुपी। उसी तरह अगला है, सी सॉ 6 फीट स्नेक। ठीक है, उसने 6 फुट लंबा स्नेक देखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे न्यूमरल है, ये यूनिट है और ये नाउन है, तो जो यूनिट है हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, सिंगुलर होनी चाहिए, तो इसका सिंगुलर कैसा होगा, फुट का हो जाएगा, फीट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी सॉ 6 फुट स्नेक। ठीक है, थर्ड है, सी डिमांडेड 20 रुपीज। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरल है, यूनिट न्यूमरल है, उसके बाद क्या है, यूनिट है, है ना, सी डिमांडेड 20 रुपी, न्यूमरल है, यूनिट है। ठीक है, उसके आगे कोई नाउन नहीं है, हमारे पास न्यूमरल और यूनिट है। तो जब भी हमने किया था, और रुपी क्या है, अपने आप में सफिशियंट, देखो 20 रुपीज, इसमें हमें पूरा पता चल रहा है कि क्या है, 20 रुपये है, तो 20 रुपये, तो ये उसके बाद क्या आ जाएगा, हमने कैसा बताया, यूनिट कैसी आएगी यहाँ पे, ऐसा आ जाएगा, सी डिमांडेड 20 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है, मनोज वेस्टेड 3 डे। मनोज ने क्या वेस्ट किए, 3 दिन किए, हमें पूरा पता चल रहा है कि उसने क्या वेस्ट किए, क्या वेस्ट किया, 3 दिन किए। तो यहाँ पे 3 न्यूमरल है, यहाँ पे डे क्या है, यूनिट है, तो इसका सही क्या होना चाहिए, डेज, है ना, क्योंकि जो न्यूमरल के साथ है, जो सेम सफिशिएंट होते हैं, उनमें क्या आता है, एस और ई एस आता है। अब यहाँ पे देखिए, शी वॉन्टेड 2 डजन, इसमें लिखा है कि उसको चाहिए दो दर्जन। ठीक है, 2 डजन चाहिए। अब 2 डजन क्या चाहिए, पेन चाहिए, केले चाहिए, संतरे चाहिए, क्या चाहिए, इसमें हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि उसको 2 दर्जन क्या चाहिए। इसमें तो हमें पता चल रहा था कि उसने क्या वेस्ट किए, 3 दिन वेस्ट किए, इसमें हमें पता नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे न्यूमरल है, ये यूनिट है, तो यूनिट कैसी है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल सिंगुलर करेंगे, सी वॉन्टेड 2 डजन। ठीक है, देखो यहाँ पे किया था हमने, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगला है, कीर्ति हैड 3 इंचेस पाइप। अगेन देख लो, कीर्ति हैड 3 इंचेस पाइप। अब यहाँ पे 3 कैसा है, न्यूमरल है, इंच कैसा है, यूनिट है, और पाइप क्या है, नाउन है। अब ये वाला सेंटेंस आ गया, न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन। तो अगर ऐसा आता है तो हमने क्या किया था, जो यूनिट होती है हमेशा सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे इंचेस की जगह आएगा केवल इंच। ठीक है, तो ये डेफिनेट की कहानी थी, यूनिट में डेफिनेट की कहानी कि दो टाइप्स में डिवाइड होता है। उसके बाद हम करते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, उसके बाद अभी हमने डेफिनेट कर लिया, अब इनडेफिनेट की बारी है, इनडेफिनेट करते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट को भी यहां पे लिखता हूं पहले। देखो इनडेफिनेट में क्या है, जो हमें पता नहीं है कि पूरा है कि नहीं है, है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 10,000 और 1000 रुपए। तो देखो 10,000 रुपए और 1000 रुपए, तो इसमें क्या बोल रहा हूं, 1000 रुपए। ठीक है, तो 1000 कैसा लग रहा है, बहुत सारे होंगे, तो इसका क्या आता है, इसमें है, तो जब हम इनडेफिनेट की बात करते हैं तो इसमें आता है यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, उसके बाद भी क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जो यूनिट है
यूनिट भी कैसी होगी, रूलर। नाउन भी कैसा होगा, ठीक है। जब हम इनडेफिनेट की बात करते हैं तो इसमें कैसा लिखते हैं, यूनिट ऑफ नाउन, फिर भी आता है कैसा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, दर्जनों बनाना बिक गए, ठीक है, दर्जनों केले जो हैं बिक गए, इसमें लिखा है डजन ऑफ बनाना इज आर सोल्ड, ठीक है। तो देखो इंडेफिनेट है, दर्जनों केले बिक गए, ठीक है, अब हमें पता नहीं कितने दर्जन बिके, दर्जनों बोल रहा हूं मैं, तो देखो कैसे आएगा, यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन बनाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और ये कैसे होंगे, यूनिट भी प्लूरल होगी और नाउन भी प्लूरल होगा, तो इसका सही क्या होगा, डजन है तो डजन को हम प्लूरल बनाएंगे, डजन्स, इसका सही कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डजन्स, क्योंकि प्लूरल होना चाहिए, डजन्स ऑफ बनानास आर सोल्ड, ठीक है, दर्जनों केले क्या हुए, बिक गए, डजन्स ऑफ बनाना आर सोल्ड, ठीक है। जैसे कि हंड्रेड ऑफ बुक्स इज आर डिमांडेड, ठीक है, देखो इसमें क्या है, हंड्रेड ऑफ बुक्स आर डिमांडेड, ठीक है, हजारों किताबें को डिमांड किया गया, मतलब उनकी मांग हुई, ठीक है, तो हंड्रेड यहाँ पे क्या है, यूनिट है ऑफ नाउन, उसके बाद ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी प्लूरल आएगा, तो कैसे आएगा, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर डिमांडेड, ठीक है। तो ये था यूनिट में डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात, ठीक है। तो यूनिट में यहाँ पे एक और चीज आती है, तो देखो जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई आता है सब्जेक्ट वन, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, उसके बाद आती है सब्जेक्ट टू, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा किसके हिसाब से आती है, इस सब्जेक्ट वन के हिसाब से आती है, सब्जेक्ट वन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट टू, उसी के हिसाब से क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये वाला एस वन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर, अगर ये एस टू हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर सिंसियर, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज आर सिंसियर। देखो यहां पे स्टूडेंट एक नाउन है, एस वन है, सब्जेक्ट वन है ना, नाउन मतलब सब्जेक्ट और नाउन है, और यहां पे प्रीपोजिशन लगा है ऑफ, उसके बाद ये क्या है, सब्जेक्ट टू, तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब वो किसके हिसाब से आती है, स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आती है, स्टूडेंट, देखो यहाँ पे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, इस नहीं आएगी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आती है। तो वहीं पे हमारा एक रूल बन के आता है, जब भी कोई हमारा नाउन आए तो यहीं से एक रूल बन के आता है, जब भी हमारा कोई नाउन आए, ठीक है, उसके बाद लाए प्रीपोजिशन, फिर अगेन एक और नाउन आए, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आती है सिंगुलर, ठीक है। और जो नाउन होते हैं कैसे होते हैं, देखो इसमें क्या आ रहा था, सब्जेक्ट वन प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट टू, इन दोनों के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती। अब देखो इसमें, देखो अब है तो सब्जेक्ट एक ही, दोनों सेम है ना, अगर ये भी एस वन है और ये भी एस वन है, दोनों है तो सेम, तो उसमें हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, और ये जो नाउन है ये होना भी कैसा चाहिए, सिंगुलर, ठीक है। तो ये नाउन जो है सिंगुलर होना चाहिए, उसके हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे कि पेजेस आफ्टर पेजेस वॉज वर रिटन, ठीक है, तो बताओ इसमें क्या होगा सही, पेजेस आफ्टर पेजेस वॉज वर रिटन, देखो ये नाउन वन है, ये एक एस वन है, उसके बाद हमारी लगी प्रीपोजिशन, उसके बाद अगेन एस वन आ रहा, तो ये वाला रूल फॉलो होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पेजेस के बदले आएगा पेज, क्योंकि होना चाहिए सिंगुलर, पेज आफ्टर पेज, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, वॉज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल,
बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। डोर आफ्टर डोर वॉज वर नॉक, ठीक है। डोर आफ्टर डोर वॉज वर नॉक, ठीक है। यहाँ पे डोर और डोर अगेन दोनों सेम है, ये S1 हो गया, ये भी S1 होगा, दोनों सेम है। और यहाँ पे कैसी है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज। डोर आफ्टर डोर वॉज नॉक्ड। तो यहाँ पे हमें क्या पता चली कि जो ये नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन, उसके बाद अगेन नाउन आती है, तो ये होनी सिंगुलर चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है यूनिट वाला तो लगभग हमारा खत्म होगा, यूनिट वाला। इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़नी है, एक और चीज़, वो क्या पढ़नी है, इसके बाद एक चीज़ हमारा रह रहा है, वो है कि जो है कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एस रहता है पर वो सिंगुलर की तरह काम करते हैं, कुछ एक वर्ड है जिनके लास्ट में एस नहीं रहता है पर वो कैसे होते हैं, प्लूरल की तरह होते हैं। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हम यूनिट वाला ख़त्म हमने कर लिया है, तो उसके बाद केवल हमारा एक और टॉपिक बचा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे जो हमने आज तक पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।